सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करूँगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए। अगेन फिर से वही चांस दिख रहा है क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन अभी सही नहीं हुआ है। उससे पहले मैं मेन मुद्दे की बात कर लेता हूँ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका बात तो मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप सभी को कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप एग्जामिनेशन आप सभी का एक नोटिस जारी किया गया था। कुछ नोटिस जारी नहीं किया गया था, वो वायरल हुआ था। वो एयरफोर्स वो जारी करता है एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए, ठीक है, CASB को ये सौंपता है सब कुछ। तो वही ईमेल जो होता है वो वायरल हो जाती है। पर पिछले साल भी वायरल हुई थी, इस बार भी वायरल हुई थी कि ये जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम 9 जुलाई से में भी कंडक्ट किया जाएगा। तो वो बातें 100% सत्य है, ठीक है, वो सही होती है। उसमें कोई किसी भी तरह के दो मत की बात नहीं होती है क्योंकि एयरफोर्स ने बता दिया था CASB को मैं 9 जुलाई से एग्ज़ाम कंडक्ट करने में सक्षम हूँ। तो 9 जुलाई से एग्जाम कंडक्ट करने की बात की जा रही थी, बट सिचुएशन को कोई नहीं जानता है कि आगे उस 9 जुलाई तक क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो अभी मई चल रहा है, मतलब कि लास्ट मई तक अभी चल रहा है। लास्ट मई तक तो कोई उपाय नहीं है, जून तक भी हमको नहीं लगता है कि सिचुएशन इतना जल्दी सही हो जाएगा, मुझे लगता है। तो जुलाई तक का आप सभी को मैं बता देता हूँ, जुलाई तक का जो प्रिपरेशन है उसको लेकर के चलते रहना, माइंड में सेट कर लेना कि जुलाई तक ही मैं एग्ज़ाम को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, हो ही जाएगा, 100% हो ही जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा न खास्ता, कोई जानता नहीं है। अगर एग्ज़ाम जून तक सिचुएशन सही हो जाए तो आप सभी का एग्ज़ाम जुलाई में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा, जो एक डेट बताई गई आप सभी को। मे भी अगर सिचुएशन सही नहीं होती है, मैं ये नहीं करा कि सिचुएशन सही नहीं होगी, अगर शायद सिचुएशन सही नहीं होती क्योंकि वो किसी के हाथों में नहीं है। जैसे कोविड-19 के थर्ड लहर आने की बताई जा रही है, तो इस तरह की बातें अगर होती है और ये सत्य हो जाती है तो मे भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह की सिचुएशन बनी रही, सिचुएशन सही नहीं होती है, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जुलाई में भी नहीं होगा और पोस्टपोन होगा। और जैसे ही आप सभी का एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी आप सभी की, न्यू वैकेंसी जो है वो आप सभी की नहीं आ पाएगी, नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आ पाएगी। पिछले साल भी यही हुआ था, पिछले साल भी सेम यही हुआ था। आप सभी का एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर या नवंबर, ऐसे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने एग्ज़ाम देने नहीं गया था, कंडक्ट किया गया था। तो उस एक समय क्या हुआ था कि रैली भर्ती हुई थी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आई थी उसमें रैली भर्ती हुई थी, आप सभी को पता होगा। और वो मतलब जिसका ज़्यादा 12th में मार्क हुआ करता था उसी को रैली भर्ती के लिए बुलाया गया था। सेम इस तरह इस बार भी प्रोसेस होने वाला है, अगर जुलाई में एग्जाम आप सभी का कंडक्ट नहीं किया जाता है, ये 100% होगा दोस्तों, आप सभी जाकर के देख लेना। तो मैं यही आप सभी को बताने आया था कि आप सभी को जुलाई तक का माइंडसेट रख करके एग्ज़ाम करना है। खुदा न खास्ता जून तक सिचुएशन सही हो जाए और जुलाई में आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाए, तो आप सब पढ़ाई करते रहना दोस्त, ठीक है, किसी के भड़काऊ बातों पे नहीं आना है आप सभी को। जुलाई का माइंडसेट करके प्रिपरेशन करना है। हाँ, पोस्टपोन होगा तो देखा जाएगा, फिर तैयारी करते रहूँगा, जब एग्ज़ाम होगा तब एग्ज़ाम दूंगा, उसमें 100% अपना लगाते रहना है, आपको बीच में गिवअप नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात बता दिया मैंने कि नेक्स्ट वैकेंसी क्यों नहीं आएगी, मैंने थंबनेल पर डाला था इसलिए बता दिया कि अगर जुलाई में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है मे बी, तो 100% आप सभी का जो एक चांस है इस तरह का, जो XY ग्रुप की आती है और सबका एडमिट कार्ड आता है, तो ऐसा नहीं आएगा। एडमिट कार्ड उसी का आएगा जिसका 10+2 में हायर मार्क होंगे और उनको रैली भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। रैली भर्ती होगा, उसके बाद छोटा सा रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप सभी का मेडिकल होगा, और इस तरह से शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से हो जाती है उसमें। तो वो एक अच्छी बात होती है जिसके 10+2 में ज़्यादा मार्क होते हैं, 80%, 5%, 90% के अबव होते हैं, 90-92 इतने क्या राउंड अप होते हैं, तो ऐसे ही कट ऑफ जाते हैं। पिछले साल भी इसी तरह का कट ऑफ गया हुआ था कुछ स्टेट का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप सभी को नए सीखने को मिला होगा, नए जानने को मिला होगा। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।